हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हम एम एस एक्सल पार्ट थ्री पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उनमें हमने चार फंक्शन पढ़ लिए हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सात फंक्शन और जो होंगे आपके मेन मैक्स लार्ज ऑड इवन फ्लोर एंड सीलिंग और इससे पहले हमने बेस कन्वर्ट फाइड फाइंड एंड सर्च पढ़ लिए हैं तो सात फंक्शन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में इनको समझेंगे हर एक फंक्शन के फेलियर और सक्सेस को देखेंगे कि क्या कब ये फंक्शन फेल होते हैं और कब ये फंक्शन सक्सेस होते हैं और हर एक फंक्शन के कंस्टेंट भी समझेंगे जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं आई सजेस्ट दैम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए शुरू करते हैं पहला फंक्शन आपका है मिन आपका मेन फंक्शन है मेन फंक्शन क्या करता है इट रिटर्न द समॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यू आपको एक सेट ऑफ वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू उस सेट में से बहुत सारे नंबर होंगे और सबसे छोटी वैल्यू आपने निकालनी है दैट इज मेन फंक्शन इसके आपके दो आर्गोमेंट होते हैं नंबर वन दो नहीं इसके बहुत सारे आर्गोमेंट हो सकते हैं यहाँ पे नंबर वन नंबर टू एंड डॉट डॉट लगे हैं डॉट डॉट डौड का मतलब है कि कितने भी आपके नंबर हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है दो तीन छः चार आपने लगा दिया मेन फंक्शन सबसे स्मॉल कौन सा है टू ये तो सिंपल हो गया लेकिन इसके कुछ और वेरिएशन भी है उसको भी हम समझेंगे देखिए नंबर वन इज ऑप्शनल सब्सिक्वेंट नंबर आर ऑप्शनल वन टू टू फिफ्टी फाइव नंबर फॉर विच यू वांट टू फाइंड द मैनिम वैल्यू आपको जो नंबर देने हैं उसकी रेंज आपकी एक से लेकर दो सौ तक के होगी पहला पॉइंट आपका यह हो गया कि नंबर आर ऑप्शनल सब्सिक्वेंट नंबर आर ऑप्शनल एंड वन टू टू वन टू टू फिफ्टी फाइव नंबर फॉर विच यू वॉन्ट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू जो आपने नंबर की रेंज देनी है वो आपकी एक से लेकर दो सौ पचपन तक के होनी चाहिए इससे बाहर आपकी रेंज नहीं जानी चाहिए अगर इससे बाहर रेंज गई समझ लीजिए आपका एरर आएगा अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं पहला फैक्ट क्या है आर्गोमेंट कैन आइदर बी नंबर और नेम एरे और रेफरेंस डैट कंडेन नंबर आपका आर्गोमेंट या फिर नंबर हो सकता है या फिर नेम हो सकता है या फिर एरे या फिर कोई ऐसा रेफरेंस जो किसी सेल को रेफर कर रहा हो क्लियर सेकेंड पॉइंट है लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंट ऑफ नंबर दैट यू टाइप डायरेक्टली इन टू दिस्ट ऑफ आर्गूमेंट आर काउंटेड क्लियर थर्ड इफ एन आर्गूमेंट इज एन एरे और रेफरेंस ओनली नंबर इन दैट एरे और रेफरेंस आर यूज अगर कोई आर्गुमेंट ऐसा है जिसमें एरे और रेफरेंस यूज कर रहे हैं तब उसमें आप सिर्फ नंबर ही यूज कर सकते हैं एम्प्टी सेल्स ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है एम्प्टी सेल्स लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट इन द एरे और रेफरेंस आर इग्नोर इन सबको इग्नोर कर दिया जाएगा पॉइंट नंबर फोर बोलता है इफ़ द आर्गूमेंट कंटेन नो नंबर दैन मिनट जीरो अगर आपके आर्गूमेंट में कोई भी नंबर नहीं है तो बाई डिफॉल्ट इसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा नेक्स्ट पॉइंट है आर्गूमेंट डेट एन एरर वैल्यू और टेक्स्ट टेक्सट कंटेन डेट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन टू नंबर कैस एर आर्गोमेंट ऐसे आर्गूमेंट आपके ऐसे आर्गूमेंट दैट आर एरर वैल्यू और टेक्सट दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू द नंबर कुछ ऐसे टैक्स जो आपके नंबर में ट्रांसलेट नहीं हो सकते तब भी आपका एर रहेगा लास्ट पॉइंट था इफ यू वॉन्ट टू इंक्लूड लॉजिकल वैल्यू एंड टैक्स रिप्रेजेंटेशन अगर आप चाहते हैं कि लॉजिकल वैल्यू भी इंक्लूड की जाए और आपकी टैक्स रिप्रेजेंटेशन भी इंक्लूड की जाए तब क्या होगा दैन इन रेफरेंस एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन यूज मिन ए फंक्शन तब आपको मिन ए फंक्शन यूज करना होगा नॉर्मल आप मेन फंक्शन यूज करेंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉजिक का वैल्यू भी इंक्लूड करनी है और टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन भी इंक्लूड करना है तब आप यूज करेंगे मेन ए फंक्शन। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं अब पहला एग्जाम्पल है ये देखिए हमारे पास एक डाटा है ए वन से लेकर ए सिक्स तक जिसमें ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स इसमें आपके नंबर्स है और ये आपकी इसकी हेडिंग दी है हमने डाटा के नाम से हम हमें हमें चाहिए मिन ए टू टू ए सिक्स ए टू से ए टू का मतलब है ए टू का ए टू आपका सेल है और कॉलन का मतलब हो गया इसकी रेंज कहाँ जानते का हम कहाँ तक जाएंगे ए सिक्स से जाएंगे ए टू से हम ए सिक्स से जाएंगे और हमें चाहिए सबसे मिनिमम वैल्यू तो इस केस में वैल्यू मिनिमम क्या है आपकी टू दस सात नौ सताईस दो इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी दो है तो आपका आंसर दो आ जाएगा देखिए ये आपका आंसर दो आ गया देट इज योर आंसर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे मिनी वैल्यू आपकी दो है इसलिए आपका आंसर दो आया लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं अब सेम क्वेश्चन लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज किया हमने अब क्या किया ए टू रेंज ए सिक्स सेम की सेम रहेगी लेकिन हमने कॉमन लगाया वन तो इस केस में आपका आंसर आ गया वन अब आप सोच रहे होंगे कि वन कैसे आया वन इसलिए आया क्योंकि ए टू से लेकर ए सिक्स तक आपकी छोटी वैल्यू कौन सी है टू टू आ गई फिर कॉमा लगाए वन फिर आपने देखना है कि इन दोनों में से सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है एक दो और एक में से स्मॉल वैल्यू आपकी एक है तब आपका आंसर एक आया ये है आपका कंसेप्ट फर्स्ट में आपका नंबर वन है सेकेंड में आपका नंबर टू है फर्स्ट में हमने रेंज ली है इसलिए पहले रेंज वॉल्व सॉल्व होगी उस रेंज सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसको कंपेयर किया जाएगा नेक्स्ट वैल्यू से जैसे हमारा दो आंसर आया था तो दो और कॉमा एक किया हमने तब इन दोनों में से मिनिम कौन सी है वन दैट्स वाई योर आंसर इज वन अब हम देखेंगे मेन अब हम देखेंगे मैक्स फंक्शन जिस तरीके से मेन फंक्शन काम करता है वैसे आपका मैक्स है बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है मेन का काम है मिनिमम वैल्यू निकालना एंड मैक्स का काम है मैक्सिमम वैल्यू निकालना दिए गए नंबर में से ये देखिए ये का रिटर्न द लार्ज वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यू सिंटेक्स नंबर वन नंबर टू एंड सो ऑन एंड द आर्गूमेंट इसके क्या है नंबर वन कॉमन नंबर टू एंड सो ऑन नंबर वन इज रिक्वायर्ड एंड सब्सिक्वेंट नंबर आर ऑप्शनल फर्स्ट नंबर तो आपको लिख लिखना ही पड़ेगा एंड इसकी जो रेंज है सेम है एक से लेकर दो सौ पचपन तक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे सेम फैक्ट इसमें भी यूज किए जाएंगे जैसे आपके मेन में थे कि आपका जो आर्गूमेंट है आइदर नंबर होगा नेम होगा एरे होगा या फिर रेफरेंस जो आपका नंबर करता हो सेकेंड आपका आर्गूमेंट क्या हो सेकेंड आपका फैक्ट क्या है

एंड एंड लास्ट इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्लूड लॉजिकल वैल्यू एंड टैक्स रिप्रेजेंटेशन अगर आपको लॉजिकल वैल्यू और टैक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए ऑफ ए नंबर इन रेफरेंस एज अ पार्ट रेफरेंस के अंदर तब आप यूज करेंगे मैक्स ए फंक्शन को एंड ये देखिए आपका एग्जाम्पल हाँ ए हाउस डाटा है टेन सेवन नाइन ट्वेंटी सेवन टू हमें चाहिए मैक्स वैल्यू ए टू से ए सिक्स तक ए टू आपका ए है और ये आपकी पूरी रेंज हो गई इस पूरी रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है स्ताइस आपका आंसर आ गया क्लियर अब हमने थोड़ा सा चेंज किया हमने क्या किया सेम वो लिखा लेकिन ए टू और ए सिक्स के बाद हमने लगा दिया कॉमा फोर्टी फाइव इस केस में आपका आंसर फोर्टी फाइव आया अब वो फोर्टी फाइव कैसे आया देखिए पहले आपकी सॉल्व होगी रेंज ए टू से लेकर ए सिक्स तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सताइस सताइस आ गई फिर हमने लगाया कॉमा फोर्टी फाइव अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है दैट इज़ फोर्टी फाइव इसलिए आपका आंसर फोर्टी फाइव आया मैक्स फंक्शन क्लियर लेकिन मैक्स की एक प्रॉब्लम थी वो वो प्रॉब्लम क्या थी कि मैक्स हमेशा आपके हर केस में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा वो भी फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू लेकिन अगर आपको चाहिए हो कि आपको पाँचवीं बड़ी वैल्यू चाहिए जैसे आपको होता है क्लास में कि फर्स्ट टॉप रे है लेकिन आपने पता करना है कि थर्ड टॉप पर कौन था तो उस केस में मैक्स फंक्शन फेल जाता है तब आपका आता है लार्ज फंक्शन लार्ज फंक्शन बोलता है इट इज इट रिटर्न द एनथ लार्ज वैल्यू एनथ का मतलब है कि कोई भी लार्ज वैल्यू आपके पास सौ वैल्यूज है चाहे आप पाँचवीं वैल्यू निकालो लार्जेस्ट चाहे आप टेंथ निकालो चाहे आप बीसवीं निकालो चाहे पच्चीसवीं निकालो आप कोई भी लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं लार्ज फंक्शन की हेल्प की वजह से यू कैन यूज यू कैन यूज दिस फंक्शन टू सेलेक्ट अ वैल्यू बेस्ड ऑन रिलेटिव स्टैंडिंग फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज अ लार्ज टू रिटर्न द हाइएस्ट रनर अप और थर्ड प्लेस स्कोर अभी आपको मैंने बताया एग्जाम्पल के थ्रू ये इसका सिंटेक्स है ये देख लीजिए लार्ज एरे कॉमा के एरे क्या है रिक्वायर्ड है जहाँ पे आपकी रेंज आएगी द एरे और रेंज ऑफ डाटा फॉर विच यू वॉन्ट टू डिटरमाइन द केथ लार्जस्ट वैल्यू यहाँ पे आपकी वो वैल्यू आएगी या फिर वो नंबर आएगा जिसमें से आपने लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है केथ का मतलब है ये कोई भी पोजिशन हो सकती है वन टू एंड सो ऑन के इज रिक्वायर्ड ये भी रिक्वायर्ड है आपका के का मतलब है पोजिशन द पोजिशन फ्रॉम द लार्जेस्ट इन द एरे और सेल द रेंज ऑफ डाटा टू रिटर्न क्लियर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम हर फंक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते देखते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम आपको वो बताते हैं कि कब ये फंक्शन फेल होते हैं कब आपके ऐड आते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपका आंसर ना है सिर्फ आपका एड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि, कि किस केस में कौन सा ऐड आता है कब आपका हैश नम ऐड आता है कब आपका हैश वैल्यू एड आता है इसलिए थोड़ा सा एडवांस आपको लेके चल रहे हैं हम क्योंकि तैयारी आपकी हार्ड रहनी चाहिए पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है इफ एर इज एम टी लार्ज रिटर्न नम एर वैल्यू अगर आपका एरे एम है तो आपका जो लास्ट का आंसर आएगा वो आएगा नम एर वैल्यू आपका ये एड आ जाएगा अगर आपने खाली छोड़ दिया है इस चीज़ को जैसे ए टू से बी में आपने कुछ नहीं लिखा तो आपका आंसर नम एड आ जाएगा सेकेंड इफ इफ के इज लेस देन जीरो अगर के की वैल्यू जीरो से कम है या के इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट द लार्ज रिटर्न द नम एड वैल्यू इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है आपके पास टोटल दस नंबर थे और आपने लगा दिया यहाँ पे इलेवन इसका मतलब यह हुआ कि एक मिनट आपके पास एक रेंज है ए टू से लेकर ए फोर तक ठीक ए टू से लेकर ए फोर तक इस पूरी रेंज में टोटल दस नंबर है और आपने यहां पर लिख दिया ग्यारह तो इसका क्या मतलब होगा कि आप इसको बोल रहे हैं कि इलेवंथ लार्जेस्ट वैल्यू तो इलेवंथ लार्जेस्ट वैल्यू आपकी आएगी कैसे जब आपकी वैल्यू दस है टोटल आपके पास दस वैल्यू है और आप इसको बोल रहे हैं कि आपको गैरवी नंबर की वैल्यू चाहिए वो आपकी कभी नहीं आ पाएगी क्योंकि टोटल नंबर ही दस है इस केस में आपका एरर आएगा है हैश नम एरर ये आपको पता होना चाहिए लास्ट इफ एन इज द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट इन अ रेंज देन लार्ज एर एमा वन रिटर्न दी लार्जेस्ट वैल्यू एंड लार्ज एर एन रिटर्न दी स्मॉलेट वैल्यू इसका मतलब ये है अगर आपने कॉमा वन लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू आएगी लेकिन यहाँ पे लिखा है एरे कॉमा एन का मतलब है कोई भी पोजीशन अगर आपने लिखा पांच दस पंद्रह उसका मतलब ये है कि पांचवी नंबर की लार्ज वैल्यू या टेंथ नंबर की लास्ट वैल्यू चलिए अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये देखिए ये मैंने एक्सर का कुछ डाटा लिया है ये एग्जाम्पल है ये मैंने आज ही परफॉर्म किया है आपके सामने देखिए यहाँ पे दो हाउस डाटा दिए गए हैं थ्री फाइव थ्री फाइव फोर फोर टू फोर सिक्स सेवन ठीक है टोटल दो तीन दो पन टोटल टेन इसमें वैल्यू है हमने क्या लिखा यहाँ पे लार्ज ए टू रेंज बी सिक्स ए टू रेंज बी सिक्स कॉमा थ्री इसका मतलब क्या है कि इस पूरी रेंज में से आपने थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है जो आपके तीसरे नंबर की मैक्स वैल्यू हो अब चेक करते हैं इसका आंसर फाइव कैसे आया देख लीजिए गेम हाक्स ज़्यादा था पहली इसमें मैक्स वैल्यू कौन सी है सेवन ठीक सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है सिक्स एंड थर्ड कौन सी है फिफ्थ तो हमें यही पूछा गया था कि थर्ड नंबर की वैल्यू चाहिए वो भी लार्जेस्ट है इसलिए आपका आंसर फाइव आया क्लियर एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन अब हमने लगा दिया कॉमा सेवन कॉमा सेवन का मतलब है कि आपको चाहिए सेवन्थ नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू अब सेवंथ नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू आपकी कौन सी है फोर अब ये फोर कैसे आया देखते हैं पहले बार आपका साथ दूसरे पे छ तीसरे पे पाँच तीन हो गई चौथे पे चार अगेन पाँचों पे चार अगेन छठ सॉरी ये देखिए पहले पे सेवन दूसरे पे सिक्स थर्ड पे फाइव एंड फाइव आपका रिपीट हो रहा है इसलिए आपका फोर्थ पे भी फाइव आएगा एंड फिफ्थ में आपका आएगा फोर सिक्स में आपका आएगा फोर एंड सेवन्थ में आएगा आपका अगेन फोर जब तक नंबर रिपीट होते जाएंगे तब तक हम उसी को लेते रहेंगे क्योंकि चार के बाद चार एक और बड़ा आ गया तो हमको वो लेना पड़ेगा इसलिए सेवेंथ नंबर पे आपका चार आ गया डेट्स वाई योर फोर इज द फाइनल आंसर अब आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन दैट इज इवन फंक्शन इवन फंक्शन का काम क्या है इवन फंक्शन रिटर्न नंबर राउंडेड अप टू नियरेस्ट इवन इंटर्जर जो आपका नियरेस्ट इवन इंटर्जर होगा उसको राउंड अप करेगा ये इसका सिर्फ एक ही आर्गूमेंट है डेट इज नंबर इवन इसका की वर्ड है जो आपको लिखना पड़ेगा एंड नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा द इवन फंक्शन इंडेक्स एज द फॉलोइंग आर्गूमेंट नंबर इट इज रिक्वायर्ड द वैल्यू टू फाउंड इसमें आपकी वो वैल्यू आएगी जो आपने फाउंड करनी है इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पहला फैक्ट क्या है इसका इफ द नंबर इज नॉन नुमैरिक मतलब आपका जो नंबर है वो नॉन नुमैरिक है नुमैरिक नहीं है तब क्या होगा तो इवन रिटर्न द हैश वैल्यू एरर ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये एरर कब आएगा हो सकता है कि आपको पेपर में दे दिया गया इवन और अंदर अंदर लिखा गया है किसी का नाम अकाश. तो अकाश में इसने क्या इवन निकालना क्योंकि आपका, आपका एरर आ गया हैश वैल्यू एरर क्लियर सेकेंड पॉइंट क्या था रिगार्डलेस ऑफ द साइन ऑफ नंबर अ वैल्यू इज राउंडेड अपन एडजस्टेड अवे फ्रॉम जीरो इफ नंबर इज एन इवन इंटेजर नो राउंडिंग अकर अगर दिया गया नंबर आपका ऑटोमेटिक इवन है तब आपने इसको राउंड नहीं करना लेकिन अगर दिया गया नंबर आपका इवन नहीं है तब आपने उससे ऊपर वैल्यू लेनी है इसको इवन करने करने के लिए लिखा गया है राउंडेड अप आपने जाना है अप की तरफ आप देखते हैं एग्जांपल पहला एग्जांपल क्या है इवन 1.5 1.5 आपका इवन नंबर नहीं है मैंने क्या बोला राउंड 1.5 पॉइंट फाइव टू दीरेस्ट इवन इंटर्जर अब आपका नीरेस्ट इवन इंटर्जर कौन सा है दैट इज टू इससे बड़ा तो आपका टू आंसर आ गया सेकंड है थ्री इवन थ्री थ्री आपका इवन नहीं है तो आपने क्या करना है थ्री को राउंड करना है इस तरीके से कि आपका इवन आ जाए और तीन के बाद जो आपकी वैल्यू आती है तीन के बाद आती है आपकी चार चार आपका इवन नंबर है नेक्स्ट इवन टू राउंड टू टू नियरेस्ट इवन डीजर टू आपका पहले से इवन था इसलिए आपका आंसर वही आ गया एज इट इज़ ये मैंने लिखा था इफ नंबर इज एन इवन टीजर नो राउंडिंग अकर अगर दिया गया नंबर ऑटोमेटिकली इवन है तब आपने कुछ नहीं करना आपका डायरेक्ट आंसर वही आ जाएगा एंड लास्ट इवन माइनस वन माइनस वन आपका इवन नहीं है तो इस केस में हम जाएंगे इससे बड़ी वैल्यू पे जो आपका माइनस टू है माइनस टू आपका इवन इंटीजर है इवन जिस तरीके से आपका ऑड फंक्शन इवन फंक्शन काम करता है वैसे आपका ऑड फंक्शन काम करेगा दोनों में ये डिफरेंस है इवन आपका इवन वैल्यू उठाएगा एंड और, और उठाएगा इवन का मतलब होता है जो वैल्यू आपकी दो से डिवाइड हो जाए और ऑड का मतलब वो है जो वैल्यू आपकी दो से डिवाइड ना हो पाए इट रिटर्न नंबर ऑफ राउंडेड अप टू नियरेस्ट ऑड इंटीजर ये उस नंबर को राउंड करेगा जो आपको दिया गया नंबर है टू दी नियरेस्ट ऑड इंटीजर जो आपका जो आपका नियरेस्ट होगा ऑड इंटीजर के कैसे इसका भी एक ही आर्गूमेंट है दैट इज नंबर नंबर क्या होगा द वैल्यू टू फाउंड ऐसा वैल्यू जो आपको फाउंड करनी है ऑड के लिए इसका भी इम्पोर्टेंट फैक्ट सेम है इफ नंबर इज़ नॉन अमेरिक अगर दिए गए नंबर आपका नॉन अमेरिक है तब आपकी वैल्यू क्या आएगी हैश वैल्यू एड आएगा आपका सेम आकाश हमने एग्जाम्पल दिया हमने लिख दिया ऑर्ड ए वन ए वन में आपकी वैल्यू थी आकाश आकाश आपका नुमैरिक नहीं नॉन नुमैरिक वैल्यू है इसलिए आपका हैश वैल्यू एड आ गया सेकेंड पॉइंट सेम है इफ नंबर इज एन ऑड इंटीजर दैन नो राउंडिंग आकर अगर दिए गए नंबर ऑटोमेटिक ऑड है तो आपने उसको राउंड नहीं करना लेकिन अगर वो दिए गए नंबर अगर आपको दिए गए नंबर ऑड नहीं है तब तो आपने उसको राउंड करना है टू डी नियरेस्ट ऑड इंटीजर कैसे समझते हैं पहला पॉइंट और इज और आपको दिया है वन पॉइंट फाइव तो इसका आपका नियरेस्ट और इंटीजर क्या होगा वन पॉइंट फाइव के बाद क्या आता है आपका थ्री थ्री आपका नीरेस्ट और इंटीजर है इस आपका थ्री आ गया लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया गया होता है थ्री पॉइंट फाइव तो थ्री पॉइंट फाइव के बाद आपका और क्या होता है फाइव तो आपका आंसर फाइव आता आई थिंक आप समझ गए होंगे अगला क्वेश्चन था और थ्री थ्री आपका पहले से ही ऑर्ड है इसलिए आपका आंसर ऑड थ्री आ गया इसमें कोई चेंज नहीं होगा थ्री आंसर सेम नेक्स्ट क्या था और टू टू के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपकी ऑड है दैट इज थ्री इसे आपका आंसर थ्री आ गया अगला था आपका ऑड माइनस वन राउंड माइनस वन टू दियरेस्ट ऑड इंटीजर दैट इज माइनस वन माइनस वन भी ऑटोमेटिकली आपका पहले से ऑड है इसे आपका आंसर माइनस वन आ गया तो ये आपका ऑड इवन क्लियर हो गया ऑड इवन हमारे क्लियर हो गए मीन मैक्स लार्ज क्लियर हो गए अब हम करेंगे नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फ्लोर फंक्शन अब आप कहेंगे फ्लोर एंड सीलिंग ये दोनों भी आपस में इंटीग्रेटेड फंक्शन है फ्लोर का मतलब होता है वैल्यू डाउन एंड सीलिंग का मतलब होता है वैल्यू अप इसको भी हम डिटेल में समझेंगे इट राउंड नंबर डाउन टू जीरो टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें आपके दो आर्गूमेंट होंगे पहला होगा नंबर सेकेंड होगा सिग्निफिकेंस नंबर क्या क्या मतलब है नंबर वो जो आपको फाउंड करना है द निक वैल्यू दैट यू वॉन्ट टू फाउंड एंड सिग्निफिकेंस क्या द मल्टीपल ऑफ टू बी टू फाउंड मतलब इसमें आपको दो नंबर दिए गए होंगे फ्लोर में और सीलिंग में दोनों में दो वैल्यू दी गई होगी जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी सेकंड के मल्टीपल होनी चाहिए मतलब फर्स्ट वैल्यू शुड बी डिवाइड बाय द सेकंड वैल्यू ये आपका इसमें रूल है लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाए तब क्या करना है जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी उससे डाउन जाना है आपने और आपने डाउन वहां तक जाना है बिल्कुल नीरेस्ट जाना है डाउन भी जो आपकी सेकेंड वैल्यू से डिवाइड हो जाए इसके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं पहला फैक्ट क्या है इफ़ आइदर आर्गुमेंट इज नॉन उमरिक सेम कंसेप्ट अगर आपका आर्गोमेंट नॉन उमरिक हो गया दैट इज आपका आपका कोई वैल्यू इंटेज नहीं है कोई आपका अल्फेटिक कैरेक्टर आ गया तब आपका क्या होगा वैल्यू एरर होगा वो आपको बोल देगा कि इट इज़ नॉट अ वैल्यू क्लियर सेकेंड क्या है इफ़ नंबर इज पॉजिटिव आपका जो पहला एग्यूमेंट है वो पॉजिटिव है एंड सिग्निफिकेंस इज नेगेटिव तब क्या होगा तब आपका एरर आ जाएगा हैश नम जैसे कि आप कर रहे हैं टू वन टू माइनस फाइव ये आपका सिग्निफिकेंस है आपका इसमें एड आ जाएगा हैश नम थर्ड इफ द साइन ऑफ नंबर इज पॉजिटिव जो आपका फर्स्ट वैल्यू है वो पॉजिटिव है एंड अ वैल्यू इज राउंडेड डाउन एंड एडजस्टेड टूवर्ड जीरो वैल्यू आपकी जीरो तक वैल्यू आपकी डाउन होगी और जीरो तक एडजस्ट होगी इफ द साइन ऑफ नंबर इज नेगेटिव अ वैल्यू इज राउंडेड डाउन एंड एडजस्टेड अवे फ्रॉम जीरो अगर आपका नंबर का साइन पॉजिटिव है तब क्या होगा में लेकिन अगर आपका नंबर का साइन नेगेटिव हो गया तब आप जाएंगे वैल्यू अप इस देखिये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है पहला पॉइंट क्या बोलता है अगर आपका नंबर पॉजिटिव है एंड सिग्निफिकेंस नेगेटिव है मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है एंड सिग्निफिकेंस जिसका हमको हाँ मल्टीपल चाहिए वो नेगेटिव है तब क्या होगा तो आपका एरर आ जाएगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है आपका सिग्निफिकेंस नेगेटिव नहीं हो सकता अगर नंबर पॉजिटिव है तो हैश एंड हैश नम ऐड आ गया सेकेंड पॉइंट इफ नंबर इज़ पॉजिटिव अवैल्यू इज़ राउंडेड डाउन एंड एडस्ट टू जीरो एंड इफ द साइन ऑफ द नंबर इज़ नेगेटिव अगर अगर आपके नंबर का साइन नेगेटिव है तब क्या होगा अवैल्यू इज़ राउंडेड डाउन एंड अडस्ट अवे फ्रॉम जीरो इफ़ नंबर इज इफ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपको ये डीए का नंबर सिग्निफिकेंस के बिल्कुल बराबर आ गया है तब आपको कोई भी राउंडिंग नहीं करनी है फॉर एग्जाम्पल डीए का नंबर था टू वन जीरो एंड फाइव ये आपका नंबर है और फाइव आपकी सिग्निफिकेंस है मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड के मल्टीपल होनी चाहिए हमने देखा जो 210 है वो पाँच से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इसलिए इस केस में हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया टू वन जीरो लेकिन अगर ये होता है टू वन टू दो सौ बारह अगर दो सौ बारह होता तो तब आपका आंसर दो सौ बारह नहीं होता वो क्यों नहीं होता क्योंकि दो सौ बारह आपका पाँच का मल्टीपल नहीं है तब हम जाएंगे बिल्कुल नीरेस्ट इससे थोड़ा सा कम जो आपका पाँच से डिवाइड हो जाए तो इससे कम कौन सा है दो सौ दस तब आपका आंसर होगा दो सौ दस ये देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं पहला एग्जाम्पल क्या है फ्लोर थ्री पॉइंट सेवन कॉमा टू इसका क्या मतलब होगा राउंड थ्री पॉइंट सेवन डाउन टू द दियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टू थ्री पॉइंट सेवन को आपने डाउन डाउन करना है और दो के मल्टीपल में होना चाहिए तो वो क्या होगा टू थ्री पॉइंट सेवन से छोटा क्या है टू जो बिल्कुल नियरेस्ट है दो के मल्टीपल के क्लियर सेकेंड माइनस टू पॉइंट फाइव कॉमा माइनस टू दोनों आपके नेगेटिव हो गए हैं इस इस, केस में तो क्या होगा माइनस टू पॉइंट राउंड करना है 2 को 2. अब क्या वो टू को आपका नंबर पॉजिटिव दिया गया है लेकिन आपका सिग्निफिकेंस नेगेटिव हो गया तो आपका हैश नम एरर फोर्थ दो सो बारह मैंने अभी समझाया कि अगर दो तो सौ बारह दिया गया है इसे एक नीचे आना है क्योंकि दो सौ बार आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा है से आंसर क्या होगा दो सौ लास्ट फ्लोर जीरो पॉइंट टू थ्री फोर कोमा जीरो पॉइंट जीरो वन इसमें क्या होगा जो आपका जीरो पॉइंट टू थ्री फोर है फर्स्ट नंबर ये इसको आपने डाउन करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन उसके इसमें आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट ट्वेंटी थ्री सिंपल अब आपका नेक्स्ट आता है सीलिंग ये आपका लास्ट फंक्शन होगा आज, की function number 7, आज की के लेक्चर का फंक्शन नंबर सेवन आज के लेक्चर का सीलिंग का मतलब क्या है ये इसका बिल्कुल उल्टा है फ्लोर के उल्टा फ्लोर में जाते हैं हम डाउन सीलिंग जाते हैं हम अप लेकिन सीलिंग में एक केस ऐसा आएगा जिसमें हमें डाउन जाना पड़ेगा देखते हैं वो केस कौन सा है राउंड नंबर अबव और अप टू वर्ड जीरो टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका भी सेम सिंटेक्स है नंबर और सिग्निफिकेंस फर्स्ट में आपको नंबर दिया गया होगा सेकेंड में आपको सिग्निफिकेंस दी गई होगी कि आपने किसके मल्टीपल में जाना है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होंगे इसके इफ आइदर आर्गूमेंट इज नॉन नॉनिक सीलिंग रिटर्न द हैश वैल्यू एरर पहला बिल्कुल सेम रहेगा कि अगर आपका आगूमेंट नॉन मेरिक है तो आपका हैश वैल्यू एड आ जाएगा सेकेंड क्या बोलता है रिगार्डलेस ऑफ द साइन ऑफ नंबर अ वैल्यू इज राउंडेड अप अपने वैल्यू को अप की तरफ राउंड करना है वैन एडजस्टेड अवे फ्रॉम जीरो जीरो से दूर जाना है इफ नंबर इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दिया गया नंबर आपका सिग्निफिकेंस के बिल्कुल मल्टीपल आ गया तो आपने राउंडिंग नहीं करनी आपका डायरेक्ट आंसर वही आ जाएगा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इफ नंबर इज पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंस नेगेटिव सेम जैसे आपका फ्लोर में था वैसा आपका सीलिंग होगा कि आपका नंबर पॉजिटिव है लेकिन सिग्नीफिकेंस आपकी नेगेटिव आ गई तब आप इसको नहीं कर पाएंगे आपका आंसर आएगा हैश नम एर फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीलिंग के फंक्शन के लिए जो आपको पेपर में उलझा सकते हैं कैसे देखिए इफ नंबर इज नेगेटिव नंबर आपका नेगेटिव है एंड सिग्निफिकेंस इज नेगेटिव वो भी नेगेटिव है तो आपने क्या करना है द वैल्यू इज राउंडेड डाउन आपने इसमें अप नहीं करना आपने इसमें डाउन करना है मतलब अगर आपके सीलिंग के केस में दोनों नेगेटिव हो गए तब आपका रू चलेगा फ्लोर वाला ना कि सीलिंग वाला राउंडेड अप इस सीलिंग में आपकी हर केस में वैल्यू अपने अप लेनी है सिवाय एक के वो फंक्शन वो आपका कौन सा है ये पॉइंट अगर आपके नंबर और सिग्निफिकेंट दोनों ही नेगेटिव हो गए मतलब आपके दोनों वैल्यू नेगेटिव हो गई तब आपने उसको करना है राउंड डाउन तब आपने लगाना है फ्लोर का कंसेप्ट आप किसके एग्जाम्पल है सीलिंग टू पॉइंट फाइव कॉमा वन टू पॉइंट फाइव से ऐसी कौन वैल्यू बड़ी है जो एक का मल्टीपल हो दैट इज थ्री थ्री आपका एक का मल्टीपल है सेकेंड पॉइंट दोनों आपके नेगेटिव हो गए तब क्या होगा राउंड माइनस टू पॉइंट फाइव अप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ माइनस टू मतलब फर्स्ट को देखना है कि वो सेकेंड का मल्टीपल है क्या नहीं अगर नहीं है तो उससे हम ऊपर जाएंगे माइनस फोर इसका आंसर होगा थर्ड माइनस टू पॉइंट फाइव कॉमा टू राउंड माइनस टू पॉइंट फाइव अप टू नीरस्ट मल्टीपल ऑफ टू तो जो माइनस टू पॉइंट फाइव है क्या वो दो का मल्टीपल है या नहीं अगर नहीं है तो हमें जाना है इससे ऊपर ये आ गया माइनस टू आंसर आपका ये भी इसका एग्जाम्पल है एंड इसके बाद एग्जाम्पल शायद ये एग्जाम्पल नौ सौ तीन में आया था दो सौ बारह पाँच इसमें क्या होगा राउंड टू वन टू अप टू नीरस्ट मल्टीपल ऑफ पाँच दो सौ बारह देखा हमने पाँच का मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे दो सौ से बड़ी वैल्यू फ्लोर में हम आए थे नीचे इसमें जाएंगे हम ऊपर दो सौ से ऐसी कौन सी वैल्यू बड़ी है जो पाँच का मल्टीपल हो दैट इज दो सौ आपका एग्जैक्टली exactly डिवाइड होगा पाँच से इससे आपका आंसर दो सौ हुआ लेकिन अगर सेम क्वेश्चन अगर फ्लोर में आता तब आंसर होता दो सौ दस लास्ट आपका माइनस टू वन टू कोमा माइनस फाइव राउंड करना है इसको हाँ जी इस केस में ये आपका वो फंक्शन आ गया जिसमें आपके दोनों नेगेटिव ने 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 आ गए पहले भी नेगेटिव सेकेंड भी नेगेटिव नंबर भी नेगेटिव है एंड सिग्निफिकेंस भी नेगेटिव है तब इस केस में आप इसमें अप नहीं जाएंगे आप इसमें डाउन आएंगे मैंने आपको अभी बताया कि अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो आपने इसमें फ्लोर का कंसेप्ट लगाना है देखिए दो सौ बारह के नियरेस्ट लिखा आपने पाँच का मल्टीपल नहीं है तो नीचे इसके नीचे कौन सा है ऐसा वैल्यू है दो सौ बारह से देखिए दो सौ दस दो सौ दस आपका एग्जैक्टली पाँच से डिवाइड हो रहा है इसलिए आपको दो सौ दस आंसर आया तो इस लेक्चर में हमने सीखा मिन मैक्स लार्ज इवन ऑड फ्लोर सीलिंग ये आपके सात इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए हैं और इससे पहले चार हो चुके हैं बेस कन्वर्ट और उसके बाद हमने किया थे कि इलेवन फंक्शन करा दिए गए हैं आपको इसके बाद भी आपको लेक्चर मिलेंगे एक्सएल के फंक्शन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे पहले हम इंपॉर्टेंट फंक्शन को कवर करेंगे उसके बाद अगर टाइम बच गया तब हम बाकी फंक्शन पर आएंगे हमारा टारगेट है हंड्रेड प्लस फंक्शन को करना वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और अगर अगर अभी तक अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल को ज्वाइन कर दीजिए चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं इट इज़ अ पब्लिक चैनल आपको लिखना होगा एट द रेट सी एस हाईफन सी एस अंडर स्कोर सोल्यूशन नाइन्टी फाइव सर आपको कैपिटल लेटर लिखना है आपको चैनल सर्च हो जाएगा और आपको उसमें गे वाले लोगों को दिखेगा इस लोगो से आपने उसको पहचानना है सी एस सोल्यूशन थैंक यू हैव अ नाइस डे